दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। सिर्फ 6 दिनों में बंद पड़ी ओला की ई बाइक, ग्राहक ने गधे से खिंचवाई ओला बाइक। परली के ग्राहक सचिन गीते द्वारा खरीदी गई इलेक्ट्रिक बाइक महज 6 दिनों में बंद हो गई। कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर पीड़ित ग्राहक गीते ने अपने ई बाइक को गधे से बांधकर परली में सड़क से खींचकर विरोध किया। सचिन गीते ने 16 सितंबर 2021 को 20,000 रुपए में यह ओला बाइक ऑनलाइन बुक की थी। शेष 65,000 रुपए 21 जनवरी 2022 को चुकाने के बाद 24 मार्च को ई बाइक गीते को सौंप दी गई और महज 6 दिन बाद ही बाइक रुक गई। इसलिए गीते ने कंपनी से संपर्क किया, जबकि कंपनी द्वारा हजारों वाहन बेचे जा रहे हैं, तालुका, जिला और संभागीय स्तरों पर कोई डीलर या शोरूम नहीं है। रविवार 24 अप्रैल को कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने से व्यथित सचिन गीते ने बंद बाइक को गधे से शहर भर में खींचवाया। गधे की पीठ पर कंपनी का विरोध बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा था, फर्जी कंपनियों से रहें सावधान, न खरीदें ये बाइक्स। वहीं इन दिनों इलेक्ट्रिक बाइक के जलने खराब होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। जी मला 24 मार्च ला मिळाली आणि 24 मार्च नंतर लगेच 8 मार्च ला गाडी बंद पडली। मी कंपनीला 9 मार्च ला मेल केला की गाडी बंद झालेली आहे, कंपनीचा काही रिस्पॉन्स आला नाही। मी कस्टमर केअर लावला, जो ऑल इंडिया एकच कस्टमर केअर नंबर असल्यामुळं सतत ट्राय केला तरी लागत नाहीये। आणि कंपनीचे कोणते शोरूम नाहीत, कोणतं नियोजन नाही, सर्विस बोगस आहे, गाडी बोगस आहे। माझ्या जनतेला आव्हान आहे की ही गाडी कोणी खरेदी करू नये, बोगस गाडी आहे। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।